साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश हो चुका है। बजट से कानपुर के लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। कानपुर मेट्रो को 585 करोड़ का तोहफा मिला है। रोजगार को लेकर युवाओं में खुशी, स्वास्थ्य संबंधित विभाग को लेकर और हाईटेक करने के लेकर खुशी उसमें दिखाई दे रही है। योगी 2.0 सरकार बनने के बाद अगर देखा जाए तो जो पहला बजट आने वाला है वो लोगों के लिए कानपुर में बड़ी सौगात रहा है। और देखा जाए कहीं ना कहीं कानपुर वासियों को लेकर के, किसानों को लेकर के और बेरोजगारों के रोजगार को लेकर के पूरी तरीके से जो है बजट जो है फेवर में आया हुआ है। एक बड़ी सौगात जो है वो कानपुर को मिली है। देखा जाए कहीं ना कहीं कानपुर मेट्रो को 585 करोड़ रुपया जो है वो सौगात मिली है। और उसके बाद विकास कार्यों को लेकर के, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिला कांस्टेबल जो PSC की तैनाती को लेकर के लोगों को जागरूक हैं और जो अपराध है उसको लेकर के हमारे से कई लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण शर्मा है। तरुण जी, बताइए कि आज बजट पारित हुआ है राज्य सरकार का, उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? इससे पहले और भी जो सरकारें बनी, कभी भी देश के अपने प्रदेश में इतना बड़ा बजट पारित नहीं किया गया। ये बहुत हर्ष की बात है कि BJP सरकार ने अपने योगी जी द्वारा जितना रुपया प्रदेश के विकास के लिए लाया गया है, इतना और सरकारें कभी नहीं ला पाई। ये पहली बात तो ये। दूसरी बात, प्रदेश की तरक्की और स्पीड रफ्तार के लिए जो मेट्रो के लिए बजट आया, साथ में 1000 करोड़ रुपए का जो बजट आया अपने जो है PSC के लिए, महिला PSC की तैनाती के लिए जो तैयारी की गई, विकास करो लेकर के जो देखा है तो उत्तर प्रदेश से लगभग 7 ऐसे एक्सप्रेस वे जो नए बनने जा रहे हैं उसको क्या करने जाएंगे? ये जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो प्रदेश रहा है तो उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश का विकास किया जाना है। इसी के दौरान जो है हमारी राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ जो सबसे ज़्यादा आज की तारीख में विकासशील है, इसके बाद कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद या अपना बनारस और प्रयागराज, ये ज़िले बहुत तेज़ी के साथ हमारे जो है CM जी ध्यान दे रहे हैं आदित्यनाथ जी। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है देश का, देखा तो मान जिस का कानून आता है, इतने बड़े बड़े व्यापारी, इतने बड़े बड़े उद्योग हैं, उसको लेकर के आज जो युवाओं को लेकर के 40,000 नए रोजगार को लेकर के राज्य सरकार से जो बजट आया हुआ है उस पर क्या करना चाहिए? योगी जी ने जो आश्वासन दिया है कि नवयुवकों को, युवतियों को दोबारा अपना शहर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत समय हो गया कानपुर में लोग आते नहीं हैं नौकरी के लिए, केवल नौकरी छोड़ के यहाँ से जाते हैं काम के लिए, धंधे के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए। बहुत समय बाद सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि हम दोबारा कानपुर में रोजगार स्थापित करेंगे ताकि बाहर के लोग भी कानपुर में रोजगार के लिए आ सकें और कानपुर के युवाओं को नया रोजगार मिल सके। अब ये देखना है कि सरकार कितना अपने इस वचन की कसौटी पर उतरती है। नहीं देखा जाए तो जो आज सरकार का बजट जारी हुआ है उस बजट को लेकर आप सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 9 नंबर देना चाहेंगे। और उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं अभी अपराध को लेकर के बड़े बड़े अपराध होते जा रहे हैं, उसको लेकर के जो आज बजट में देखा जाए सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के लिए, जो कि बाहर स्थानीय पुलिस है, वो जो बाहर की पुलिस है वो यहीं रहेगी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने 9 नंबर इसीलिए दिया है क्योंकि अभी तक जो अपराध हुए, जैसे हमारे कानपुर देहात में एक माँ और एक बेटी जलकर या जलाकर कैसे भी ख़त्म हुई, ये अभी विचाराधीन है। इस पर अभी सरकार ने चुपके साथ रखी, इस पर अभी सरकार ने कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने बजट में तो काम अच्छा किया, लेकिन अपराध या षड्यंत्र या प्रशासनिक कार्रवाई, ये अभी संदेहवाचक प्रश्न है। देखा जाए पहले कमिश्नरेट लागू होने के बाद भी अब ऐसा बोलने के अपराध को लेकर के एक्टिव तो है सरकार, पर देखा जाए कहीं ना कहीं जो बजट आज कानपुर से जारी हुआ है इसमें उत्तर प्रदेश में प्रदेश नहीं और विदेश के लोग जो इन्वेस्टमेंट करने भी आए थे, एक्टिवली इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, उसको लेकर क्या करना चाहेंगे? अब देखना है, देखिए अभी तो ये लागू किया गया है, कितना समय लगता है इस बजट को जो है भूमि पे आने पे। देखिए, पेपरों में काम होना और ज़मीन पर काम दिखाई देना दोनों अलग अलग बातें हैं। बुनियाद किसी चीज़ की तभी समझ में आती है जब ज़मीन पे कोई घर बन जाता है, कोई मकान बन जाता है, तब समझ में आता है कि हाँ ये ज़मीन बिक चुकी है। बजट को लेकर कानपुर के लोग जो ज़्यादा उत्साह नजर आ रहा है, उसके बाद हमारे साथ जो हैं और भी लोग हैं, बताएंगे। क्या नाम है आपका?
अभय सिंह नाम। अभय जी बताएं किस तरह को लेकर बजट जो आज पारित हुआ है उसमें लेकर के देखा है तो किसानों को लेकर के, बिजली बढ़ोतरी लेकर के, हर एक चीज़ को हाईटेक करने के लिए कानपुर के लिए देखा है, विकास कार्यों के लिए कानपुर को बड़ी सौगात मिली, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम उस पर ये कहना चाहेंगे, हमारा ये जो कानपुर है ये पहले से ही उद्योग अरे नगरी रहा है, जिस तरह की ये सौगात आ रही है उससे तो यही लगता है कि हमारा जो कानपुर है वो फिर से एक उद्योग नगरी बनेगा और यहाँ के जो नौयुवक युवतियाँ हैं वो फिर से कहीं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा जैसे कि यहाँ के लोग जाते हैं लखनऊ मुंबई बेंगलोर। तो इस तरह से स्मार्ट सिटी कानपुर बनने का लायक लग रहा है। देखा जाए कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव पास आ गया है, लोकसभा चुनाव को लेकर के ऐसा तो नहीं हुआ जो बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है वो केवल लुभाने के लिए किया है? ये तो देखिए ये तो अब सरकार जाने, क्योंकि ऐसे बजट काफ़ी आ चुके हैं पिछले कई समय से हम लोग यूपी सरकार का देख रहे हैं, बट इतना अच्छा बजट जो अभी ये जो सरकार लाई है इससे पहले कोई नहीं ला पाया है, माननीय आदित्य योगी जो हमारे मुख्यमंत्री है इनके तहत। अब ये है कि इस बजट को अगर ये ज़मीनी स्तर पे आ जाए तो उम्मीद अच्छी है, वरना तो फिर कॉपी के दस्तावेजों में ही रह जाएगा। उसके बाद देखा जाए बजट जो पारित हुआ है उसमें ले करके जो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं उसको लेकर करोड़ों रुपये बजट है, हाईटेक बनाने के लिए हुरसला हॉस्पिटल हैलेट है, इनको हाईटेक बनाने के लिए जो उपकरण जो है 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट आया हुआ है स्वास्थ्य संबंधित, उस पर क्या करना चाहेंगे? उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के लिए पहले से तो मतलब काफ़ी चीज़ों को अच्छा किया गया है, बट अगर अभी ये चीज़ें जो इन्होंने जो पारित किया है स्वास्थ्य बजट, अगर ये चीज़ आ जाती है तो बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी मतलब सेवा मतलब कार्यरत हो जाएगी। तो बजट को लेकर आप कानपुर की जनता को सुन रहे थे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।